Channel. So today in this video we will start the last chapter of 10th class welcome life book. In this video we will do the bag exercise of this chapter, and also I will tell you which type of question will be asked by the examiner in the practical exam or in a theoretical exam. So please watch this video till the end, and if you are new on my channel and you haven't subscribed it yet, I request you to please subscribe my channel, and for the latest update don't forget to press the bell icon. The name of the chapter is stress management. Stress ka matlab kya hota hai? It means jo aapka, agar hum isse 3-4 way mein hum isse explain kar sakte hain. For example, aapko tanav hai, aapko fatigue hai, theek hai, आपको क्या कहते हैं, किसी टाइप का फोर्स है, ठीक है, उसे हम स्ट्रेस कह देते हैं. यहाँ पे हमने इस चैप्टर में ये करना है कि जो हमें प्रेशर पड़ रहा है उसे हम कैसे मैनेज करें, ठीक है ना. क्योंकि जो हमारा प्रेशर है, अगर हम अपने स्ट्रेस को हम अच्छे से मैनेज कर देंगे, देन हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, ठीक है. हमें किसी भी वर्क में, कोई भी वर्क हो, उसे वर्क को करते समय हमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है. इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि कैसे आपने अपना जो स्ट्रेस है उसे आपने कैसे मैनेज करना है. पहले आपको कॉजेज बताए गए हैं, देन कॉजेज के बाद ये बताया गया कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करोगे. एक्टिविटी फर्स्ट है जिसमें कॉजेज ऑफ स्ट्रेस है कि किस कारणों के कारण आप में तनाव होता है. द टीचर इज आस्क्ड द स्टूडेंट टू सिंग अ सॉन्ग. टीचर कहेगी स्टूडेंट को कि आपने या तो एक गाना गाओ, या तो एक पोएम सुनाओ, या फिर एनवायरमेंट के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक है उस पर आप 2 मिनट पे बोलो, ठीक है. सम स्टूडेंट आगे आएंगे और परफॉर्म करेंगे और उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि उन्हें अपना टैलेंट शो करेंगे. क्योंकि जो अच्छा सिंगिंग में वो गाएगा, जो पोएम अच्छे से रिसाइट करेगा, वो अच्छे से पोएम को बोलेगा, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, वो अपना टॉपिक के बारे में बोलेगा, ठीक है. बट उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होगी, स्ट्रेसफुल होगी, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कहीं टीचर मुझे ना बुला दे, क्योंकि उन्हें उस टॉपिक में नहीं बोलना आएगा, ठीक है. आंसर इज व्हेन आई गिव ऑर्डर टू स्पीक देन आई फर्स्ट लेबल माई सेल्फ. कि अगर मुझे कोई मुझे कह रहा है कि आपने यहाँ आगे 2 मिनट का कुछ टॉपिक बोलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने माइंड को स्टेबल करूंगा, ठीक है, और देन गो स्टेज में जाऊँगा, ठीक है. आई बिकम नर्वस टू सी द स्टूडेंट एंड टीचर इन द फ्रंट ऑफ मी, ठीक है. मैं ये देखता हूँ कि मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्या है, नर्वस है, ठीक है. ड्यू टू द नर्वसनेस मेरा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या कर रहा होता है, बीट कर रहा होता है. आई हैव मैनी गुड थॉट, मेरे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे थॉट होते हैं, बट ड्यू टू नर्वसनेस है मैं वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाता. बट नाउ आई वॉज फीलिंग द अशेम, बट उसके बाद का जब स्टेज पर कुछ नहीं बोल पाया, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा शेम फील होती है, अशेम फील होता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिली थी वहाँ पर, ठीक है. बट विद द कॉपरेशन ऑफ माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के कॉपरेशन से, अपने टीचर के कॉपरेशन से मैं क्या करूँगा, अगर आगे टाइम पे ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं अपने जो थॉट है इन द फ्रंट ऑफ सोसाइटी और इन द फ्रंट ऑफ जो मेरे यंगस्टर है उनके सामने रखूँगा, ठीक है. एक्टिविटी 2 है, डियर स्टूडेंट इमेजिन अ सिचुएशन, सपोज यू, ये वाले क्वेश्चन आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है. ये टाइप की केस स्टडी टाइप की क्वेश्चंस होते हैं. डियर स्टूडेंट है, इमेजिन करो कि आपको यू सपोज यू हैव टू अपेयर इन अ इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बट ड्यू टू सम रीज़न है आप अपना सिलेबस नहीं कम्प्लीट करे, और ऑल्सो यू स्टडी वेल टू द लास्ट नाइट, ठीक है. तुम पूरे रात भर क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे. द अब सिचुएशन वॉज स्ट्रेसफुल फॉर यू एल दिया, तुम्हारे सिचुएशन, क्योंकि वो टाइम सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम मिला था, बट ड्यू टू आपके पास कम टाइम पीरियड होने के कारण आप अच्छे से पढ़ नहीं पाए, आपको ये स्ट्रेस है कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है. यू मेड मेड इन यूजफुल फॉर योर सेल्फ बाई फिक्सिंग विद योर ऑन एफर्ट्स, तुम अपने आप को यूजफुल बना सकते हो अपने एफर्ट्स को फिक्स करके, एफर्ट्स लगा के, हार्डवर्क करके. आई वॉज सो नर्वस था, मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा नर्वस था, ना तो मैं सिलेबस कम्प्लीट पाया, ना ही जो चैप्टर थे वो मैं कम्प्लीट पाया, ठीक है. आई वॉज सो नर्वस था एग्जाम के टाइम, इतना नर्वस था कि जो मेरा दिल था ना वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था. ड्यू टू स्ट्रेस था मेरे जो मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस आ गई थी, बट मेरे फ्रेंड ने मुझे करेज किया. आई बर्न द नाइट एंड स्टडी विद द फुल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. ऑन द नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गया आफ्टर द एग्जामिनेशन, मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि जो रात नाइट जो लास्ट नाइट जो मैंने स्टडी किया था वो आ गए थे, वो सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ गए थे, और मुझे सब कुछ याद था. मेरा पेपर बहुत ज़्यादा गुड हुआ, ठीक है, और मेरे को उस पेपर लेने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या फील हुआ, लाइट फील हुआ, ठीक है. हाउ स्ट्रेस कैन बी यूजफुल फॉर अस, पहले ये बताइए, अगर हम स्ट्रेस लेते हैं ना उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी.
आपका ये क्वेश्चन ने पूछा है कि कैसे हमारे लिए यूजफुल है। गुड स्टार्स हमें ये टीच करता है कि कैसे हमने सिचुएशन को फेस करना है, ठीक है, लाइट को कैसे फेस करना है, फाइट कैसे करना है प्रॉब्लम के साथ, और अपने कॉन्सेंट्रेशन को कैसे इंक्रीज करना, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज करना है। वट आर द फिजिकल एंड मेंटल चेंज फैक्ट वैन यू आर स्ट्रेस, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके जो फिजिकली एंड मेंटल चेंज क्या आते हैं। वैन वी आर स्ट्रेस हमारा हार्ट बीट क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, हम अच्छे से ना सो पाते हैं, हमें पसीना आता है, हमारा स्टोमिक पेन भी होता है, हमें मोटापा आ जाता है और हमें हेडेक होता है। वट डज अ स्ट्रेस पर्सन फेस लुक लाइक, जो स्ट्रेस पर्सन फेस होता है उसका फेस कैसा लगता है, ठीक है, उसका फेस बहुत ही ज़्यादा उतरा हुआ होता है और वो क्या होता है, ही वाज ऑलवेज इन द डीप थिंकिंग, हमेशा गहरी सोच में होता है। वट वॉज द स्ट्रेसफुल थिंग फॉर यू, हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल थिंग क्या है, स्ट्रेस से ड्यू टू होमवर्क, मेरा होमवर्क नहीं किया, अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई किया, लैक ऑफ फ्रेंडशिप, रॉन्ग वर्क फिजिकल स्ट्रक्चर, ये क्या आपके लिए स्ट्रेसफुल थिंग है। नेक्स्ट इज हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस, आप जो स्ट्रेस है उसे आप कैसे अवॉइड करते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट आवर बॉडी, जो स्ट्रेस है, ठीक है, जो तनाव है हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ड्यू टू स्ट्रेस है हमारा जो हार्ट बीट है इंक्रीज हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा थकावट और लेजी और इरिटेबल महसूस करते हो और हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती। वट कैन वी डू टू रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी कैन रिकॉग्नाइज आवर हॉबीज, हमें अपनी हॉबीज लाइक पेंटिंग, राइटिंग, डांसिंग और सिंगिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। वट कैन वी डू टू कीप अदर स्ट्रेस फ्री, हम क्या करें अगर आपने कोई दूसरा पर्सन तनाव में है उसे तनाव से फ्री करने के लिए आप क्या कर सकते हो। टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ अदर पर्सन हम क्या करेंगे, उन्हें योगा सजेस्ट करेंगे, एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे, उन्हें ये कहेंगे कि उन एक्टिविटीज़ में वो अपना टाइम स्पेंड करे जिस एक्टिविटी में क्या वो इंटरेस्टेड है। कैन स्ट्रेस बी गुड फॉर अस, क्या स्ट्रेस हमारे लिए गुड है, देखो ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो आपके लिए जो स्ट्रेस है वो आपके लिए एक फलदायक भी बन सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट लीव एंड लेट एक्टिविटी फर्स्ट स्टेप, एन ऑर्गेनिक बैलेंस डाइट कैन बी श्योर इन दिस एक्टिविटी, टीचर कैन आल्सो इन्वॉल्व द क्लास इन दिस एक्टिविटी। 5 स्टूडेंट क्या होंगे, एक लाइन में खड़े होंगे, सम स्टूडेंट्स को क्या होगा, सम ऑफ द स्टूडेंट एज द ट्री विल बी प्रिटेंड टू सिट नेक्स्ट टू द स्टूडेंट हु बिकम, ठीक, सम स्टूडेंट को ये कहना है कि आपने ट्री बनना है, मतलब कि ट्री जैसे प्रटेंड करना है और आपको आप में से कौन ट्री बनना चाहता है, एंड एंजॉय द एयर एंड एंजॉय द फूड। सम स्टूडेंट है विल वॉक अराउंड लाइक एनिमल्स एंड बर्ड्स, कुछ स्टूडेंट्स क्या बनेंगे, वो क्या बनेंगे, एनिमल्स बनेंगे या बर्ड्स बनेंगे। देन टू ऑफ द स्टूडेंट क्या होंगे, ट्री को काट रहे होंगे, ठीक है, द टू स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, एनिमल्स को हंट कर रहे होंगे। आफ्टर कटिंग द अराउंड द ट्री, जो स्टूडेंट क्या होंगे, सिटिंग अंडर द ट्री विल फॉल टू द ग्राउंड प्रोटेक्टिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जो स्टूडेंट है जो ट्री के नीचे बैठे हुए हैं उन्हें क्या होंगे, वो घिर जाएंगे क्योंकि उन्हें किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, सांस की बीमारी हो जाएगी। एनिमल एंड बर्ड्स भी क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। एज स्टूडेंट कैन सिंग सॉन्ग लेटर, उसके बाद क्या है, एक स्टूडेंट गाना गाएगा, ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर डियर एनिमल्स एंड ट्रीज, हर लोग क्या है